सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली इंडियन नेवी की तरफ से एक तरह से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपकी वैकेंसी का। देखिए, अभी इसको वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन बाकी के जो भी आपके जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह है, हर जगह इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। और जिस चीज़ का डर था ना, वही चीज़ इसमें हुआ है। अभी ये फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो, ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, ये SSR के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसमें हर कोई जो है नहीं बैठ पाएगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि फॉर्म तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हीं को सिर्फ जो है एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, SSR के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये 1/2022 बैच है। अगर बात कर लें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का, अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम से इसे लेकर के पूरा पढ़ लीजिएगा। अभी इन्होंने जो भी अपलोड किया है, यही अपलोड किया है, ठीक है, सरकारी रिजल्ट वगैरह पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। जो कुछ भी न्यूज आता है, सबसे पहले मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जितना कुछ मैं देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो SSR में 2800 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 560 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए हैं, ठीक है। अब बैच आपका 1/2022 है, मैंने आपको बता ही दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया, 10+2 पे मैथ एंड फिजिक्स तो मांगेगा ही मांगेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, और बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एज आपका जो है, देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा था एज का। जो दो तीन जो पॉइंट्स हैं जो मुख्य हैं, बाकी तो एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, सिलेबस वगैरह कुछ भी बदलेगा नहीं। हाँ, लेकिन डबल ए खत्म कर दिया है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1999 से 1 नवंबर 1999 से, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2005 के बीच में है, वो हर एक कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म जो है भर पाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया था, 17.5 से लेकर के इस बार 23 तक ये लेंगे, अगली बार 17.5 से 21 तक ही लेंगे। तो सिर्फ ये इस बार ये छूट दिया गया है, ठीक है। मार्शल स्टेटेट जो है क्या है, अनमैरिड कैंडिडेट ही यहाँ पे सिर्फ अलाउड होंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या जो है 4 साल की नौकरी होगी, क्या आपको उसमें जो है सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है। फिर जब आप बाहर आओगे तो क्या कंट्रीब्यूशन, जो फंड आपका वो इकट्ठा हुआ रहेगा, वो क्या मिलेगा कॉर्पस फंड में, वो सारी चीज़ें आप लोग को, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। अब देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, थोड़ा नीचे आ जाओ, हाँ, सेलेक्शन प्रोसेस देखो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन इन फिजिक्स मैथ एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिज थ्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। दो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन रेशियो ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। इन तीनों नंबर का ही परसेंटेज बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, 3 सब्जेक्ट लेकर के आपका वो किया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वैकेंसीज हैव बीन एलोटेड स्टेट वाइज मैनर। देखो, स्टेट वाइज कट ऑफ रखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। जो भी आपका कट ऑफ होगा वो स्टेट वाइज होगा, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज आपकी क्या है, बटी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ यहाँ पे, इस बार आपका जो कट ऑफ का जो प्रोसेस होता था ना, वो आपके ओवरऑल पूरे जो है इंटर के मार्क्स पे जाता था, लेकिन यहाँ पे इस बार कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट के जो है मार्क्स ये लोग देख करके शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ थोड़ा, क्या दिया गया, एग्जामिनेशन एंड INS में वेरी फ्रॉम स्टेट टू, जो भी INS छिलका पे जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा वो स्टेट वाइज जो है वेरी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आप देखो यहाँ पे, देखो फिजिकल में जो कुछ भी था ये सारी मैंने बताई दिया था। एक थोड़ा फीमेल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेना, जेंडर के लिए दिया गया, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर्स, अगर आपके अंदर होता है आप दी अपोजिट जेंडर एज एविडेंस एंड एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी पता चलता है, विल बी रिजेक्ट एट यू एन फिट एनी कैंडिडेट हैविंग अंडरगॉन जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी विल बी डिक्लेयर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आप वो मेल हो, ठीक है, और आपके अंदर जो है जो लक्षण है वो फीमेल वाले हैं, ठीक है, और या फिर आप किसी प्रकार का जो है सर्जरी करवा करके आपने अपना वो जेंडर चेंज करवाया है, तो भी आपको क्या होगा, वो सर्जरी माना जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फीमेल के लिए प्रेगनेंसी के तौर पे कुछ दिया गया, एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, अगर उस समय प्रेग्नेंट अगर पाई जाती है कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, उनको क्या होगा, ठीक है, इन 4 साल में तो क्या होगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
एंड हर कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान भी, इफ टू बी प्रेग्नेंट लेटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्या एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग अटिल कंक्लूजन ऑफ एप इंट्रो ट्रेनिंग, इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट लेटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग द कैंडिडेट सेल बी रिजेक्टेड। अगर ट्रेनिंग के दौरान भी पाई जाओगे ना बाबू, ट्रेनिंग के दौरान भी अगर जो है कोई लड़की है अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो भी उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड आपको पता है 157 आपका मेल के लिए, 152 फीमेल के लिए, ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई थी, बाकी कुछ नया नहीं है। हाँ, लास्ट डेट जो है आपका वो देख लो, फॉर दिस इंटरव्यू द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट इतना इतना, 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आपका फॉर्म खुलेगा, ध्यान देना डेट याद रखना 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक, जो भी अब जब तब तक इसका ऑफिशियल आ जाएगा, बाकी जो चीज़ें अगर कुछ समझानी होंगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और एक काम आप कर सकते हो कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, और फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।